अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है एहसन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बर्ड्स ब्रीडिंग टिप्स। तो आज हम आए एहसन भाई के सेटअप पे डफ। इन्होंने डफ के अंदर एक्सपेंसिव म्यूटेशन रखी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारी डफ के अंदर इनके पास म्यूटेशन है। तो इनसे पूछते हैं कौन कौन सी म्यूटेशन इन्होंने यहाँ लगाई हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और कौन कौन सी म्यूटेशन आपके पास यहाँ पर है डफ के अंदर? पाइट डफ की, पाइट डायमंड डफ की ऑलमोस्ट सारी की सारी जो है वो वैरायटी रखी हुई है तकरीबन। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब कितने अरसे से आप माशाल्लाह ये डफ ब्रीड करा रहे हैं? मुझे बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ, तकरीबन 3 साल हुए हैं। 3 साल हो गए तकरीबन। माशाल्लाह आपने सारा कलेक्शन इसमें रखा हुआ है, इसके अंदर टोटल नीचे से लेकर डायमंड डफ से ऊपर तक की। जी असल में मुझे स्टार्टिंग में ना फैंसी पिजन्स रखने का शौक़ था। अच्छा, उसमें काफ़ी पैसा लगाया, शौक़ था वो बस। लेकिन जब सेल करने की उसको कोशिश करी तो एक भी बर्ड सेल नहीं हो रहा था। फिर वो औने पौने में हमने जो है दुकान वाले को दिए और फिर तौबा करी कि दोबारा ऐसा बर्ड नहीं रखना जो बिकता ना हो। तो इसके अंदर जो है माशाल्लाह काफ़ी डिमांड चल रही है इस वक्त डफ के अंदर। तो जो पट्टे आते हैं माशाल्लाह कोई सेल करने में कोई मसला तो नहीं आता? अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं आता। डफ जो है, डायमंड डफ जो है स्मॉलेस्ट पिजन है, पिजन की, हाँ पिजन की नस्ल है और सबसे छोटे साइज़ में। गंदगी भी नहीं इतनी और पूरी दुनिया में जो है वो पाकिस्तान का जो पाइट डायमंड डब है ये पसंद किया जाता है, हाथों हाथ बिकता है यहाँ भी और एक्सपोर्ट भी बड़ा आसानी से हो जाता है। और इसके अलावा जावा भी रखी है आपने? हाँ, इसके अलावा जावा का भी शौक़ है शुरू से ही तो, लेकिन कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से तो अभी रखा है, लेकिन शौक़ मुझे शुरू से ही था जावा और डायमंड डब का। डायमंड तो चले भी, और इनका सेटअप दिखाते हैं आपको डायमंड डब का के कौन कौन सी म्यूटेशन है इनके पास। जी हसन भाई, पहले कौन सा पेयर दिखा रहे हैं हमें डफ के अंदर? डफ के अंदर सबसे जो बेसिक पाइड डायमंड पाइड है, जिसको इंटरनेशनल जिसको ब्लू पाइड बोला जाता है, तो सबसे पहले इसको देखेंगे। ये एक यंग पेयर है डायमंड पाइड का, और इसकी ब्रीडिंग, इसका साइकिल काफ़ी छोटा होता है। आप ये देखें, बच्चा अभी सेल्फ फीड पर नहीं आया और फीमेल जो है उसने एग्स ले कर दिए हैं फिर से। जी जी जी, और आई थिंक इसने, हाँ, दोनों अंडे देकर बैठी हुई है माशाल्लाह, दो अंडे इस वक्त हैच हो चुके हैं। जी जी, और इंशाल्लाह ये जो है ये 11 टू 14 डेज में हैच हो जाते हैं। मतलब अंडे देने के बाद ये 14 दिन के अंदर बच्चे? जी 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 जी, हैच कर लेगी, हैच हो जाएंगे। और बच्चे सेल होने में कितना टाइम देते हैं? तकरीबन महीना, तकरीबन एक महीना। जी 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 हसन भाई, ये कौन सा पेयर है? ये जो है रेड पाइट का मेल है इसमें ऊपर, और ओपल पाइट की फीमेल है। ये नीचे जो है फीमेल है? जी जी, फीमेल है ओपल पाइट की। इनके अभी मैंने बच्चे सेपरेट किए हैं अभी, फिर माशाल्लाह अंडे देती हैं। जी जी, इसमें असल में एग्स दिए हुए थे पहले से, लेकिन बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, आप सेपरेट नहीं करेंगे उन्हें तो बच्चे फिर जो है ना डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं और कभी सम टाइम जो अंडे भी फेंक देते हैं नीचे। तो इनका रिज़ल्ट क्या आएगा? रिज़ल्ट इसका ओपल और रेड दोनों आते हैं, सम टाइम दोनों ओपल आ जाते हैं, सम टाइम दोनों रेड आ जाते हैं, लास्ट क्लच में दोनों रेड आए हैं, सम टाइम एक ओपल एक रेड आ जाता है, ये इसका रिज़ल्ट रहता है। फिर ये ब्लू वाइट टेल पाइड है, ब्लू वाइट टेल पाइड का पेयर है ये। अच्छा, ब्लू वाइट टेल पाइड है। जी जी, तो इसकी मार्केट क्या चल रही है तकरीबन? इसका 20,000 रुपये का बच्चा सेल हो जाता है हमारा। और अगर बड़ा पेयर को अगर सेल करना, बड़ा पेयर तो मेरे पास तो अवेलेबल नहीं होता, बड़े पेयर का मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि बड़ा जब पेयर हो जाता है ना रखे रखे तो हम उसको फिर ब्रीड पे लगा देते हैं, हमारा दिल ही नहीं करता कि बड़ा पेयर सेल करें, तो इसलिए हम जो है चिक्स ही सेल करते हैं। तकरीबन 20,000 का बच्चा है इसका, 20,000 का बच्चा जो है हमारा सेल हो जाता है इजी। हाँ, इजीली सेल हो जाता है, बुकिंग पे होता है अभी, कोई भी इवन के एक भी बर्ड अभी सेल के लिए अवेलेबल नहीं है, सारा का सारा जितना प्रीवियस हाँ क्लच था वो सब सेल हो चुका है। ये ओपल पाइट का पेयर है और खूबसूरत बर्ड है ओपल पाइट, असल में ये बच्चे भी निकलेगा। जी जी, ओपल पाइट कम्बिनेशन है रेड और ब्लू वाइट टेल वाइट रम पाइट का, ये कम्बिनेशन है। इनका रिजल्ट क्या आएगा? ओपल ही आएगा ये, इसके बल्कि इसके बराबर में आप देखें ये इन्हीं के बच्चे हैं। ये माशाल्लाह इन्हीं इसी पेयर के, हाँ इसी पेयर के बच्चे हैं, और इनके बच्चे भी दोनों ओपल पाइट है।
ओपल पाइल्ड है, फिर दोबारा ब्रीड करेंगे अभी, है ना? जी जी जी, बच्चे बाहर आ चुके हैं जी जी, आप कुछ टाइम में जो है वो, लेकिन कोशिश मेरी होती है कि ये थोड़ा बच्चों को ना थोड़ा ग्रो करने के बाद जो है फिर ये एग्स ले करें और एग्स पे बैठें ताकि बच्चों की खिलाई ग्रोथ अच्छी हो। हाँ, जो असल में जो बच्चा आ चुका नेक्स्ट ब्रीड तो देखी जाएगी, लेकिन जो बच्चा आ चुका है उसकी ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए उसका सर्वाइवल, उसकी हेल्थ होती है, ताकि किसी के पास भी जाए माशाल्लाह उसको एक जी जी हेल्दी बर्ड मिले। असल में आपकी जो मार्केटिंग है ना वो आपकी अच्छी डीलिंग है, आपकी अच्छी डीलिंग इसी तरह होगी कि आप जो बर्ड सेल करते हैं क्वालिटी में अच्छा हो, हेल्दी बर्ड हो, और जो बंदा जिस मकसद के लिए लेकर जा रहा है ब्रीड के लिए उसके बाद ब्रीड करे जाकर अच्छा। जी हसन भाई, ये कौन सा पेयर है? ये भी ओपल पाइट का पेयर है और इसके कलर थोड़ा सा शेड डिफरेंट है, और लेकिन इसमें इसने एग्स जो है ना अनफर्टाइल कर दिए थे। अच्छा। और इसके नीचे एग्स मैंने रखे हैं ब्लू वाइट टेल पाइट के। माशाल्लाह, ये दो बच्चे आए। हाँ, अब इसका फ़ायदा ये होता है कि इसको ना फीमेल को टाइम भी मिल गया, इन पेयर को टाइम भी मिल गया, वरना ये एक हफ्ते बाद फिर से एग्स ले कर देते हैं और फिर कैल्शियम जी जी वो डेफिशिएंसी आ जाएगी। तो बच्चे मैंने यहाँ पे अंडे मैंने रख दिए थे ब्लू वाइट टेल पाइट के, उसी के दो बच्चे निकल रहे हैं, निकले में बल्कि। अच्छा, इसके बच्चे यानी कितने दिन में बड़े हो जाते हैं अंडे से निकलने के बाद? तकरीबन जो है ना ये महीने में सेपरेट होने के लायक हो जाते हैं। माशाल्लाह, यानी 15 दिन में ये हो जाते हैं, फिर दोबारा अंडे दे देती है। जी जी, लेकिन अब इसमें कोशिश ये होनी चाहिए कि बर्ड को ना बड़ा रिलैक्स करके उससे ब्रीड ली जाए, वरना होगा ये कि आपका बर्ड ख़राब हो जाएगा, आपके पास ब्रीड अच्छी नहीं आएगी, एग अनफर्टाइल होना शुरू हो जाएंगे। फॉस्टरिंग करेंगे तो मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है, अगर आप फॉस्टरिंग करवा के तेज़ ब्रीड लेते हैं तो आप अपने जो आपका महंगे पेयर है आप उसको ख़राब कर देंगे। सब्र सुकून वाला काम है ये बर्ड की ब्रीडिंग। आपने एक भी यहाँ पोस्टर पेयर नहीं लगाया मैं अपने शेड पे, माशाल्लाह सब खुद ही अपने देख सकते हैं। जी जी, समटाइम जो है ना फॉस्टरिंग की हमें ज़रूरत पड़ जाती है, उसमें भी हम ये करते हैं किसी पाइट के नीचे दो, अगर एक बच्चा है तो उसके नीचे दूसरा बच्चा रख दिया, बैलेंस कर दिया। हाँ, फॉस्टरिंग हम लोग रिकमेंड नहीं करते, मतलब मैं स्पेशली रिकमेंड नहीं करता हूँ फॉस्टरिंग करें आप। एट दी एंड मतलब साल के आखिर में आपको नंबर ऑफ चिक्स उतने ही मिलेंगे, और नुकसान ये होगा कि आपका बर्ड ख़राब हो जाएगा, महंगा बर्ड ख़राब हो जाएगा। जी हसन भाई, ये कौन सा पेयर लगा हुआ? ये रेड पाइट का पेयर है। अच्छा, ये इसकी जो फीमेल है ना, इसका कलर मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही डार्क कलर है इसका, ऊपर मेल बैठा। जी 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 जी, बहुत ही डार्क शेड में, डिफरेंट शेड्स में आपको जो है ना डव मिलते हैं। रेड के भी काफ़ी सारे शेड हैं, कोई बहुत लाइट होता है, कोई बहुत डार्क होता है, कोई अल्टीमेट रेड की तरफ चला जाता है। अभी हम अल्टीमेट रेड भी देखेंगे। ये मेल भी मेरे ख्याल से माशाल्लाह तकरीबन 99% वाश है, माशाल्लाह, है ना? हाँ, ये इसके एक दो स्पॉट हैं, लेकिन अच्छा मुझे लोगों को ना इस तरह का बर्ड बहुत ज़्यादा पसंद होता है, मुझे इस तरह का बर्ड पसंद नहीं है। उसका रीज़न ये कि कुछ ना कुछ पैटर्न होना चाहिए। अब जिस तरह नीचे ये फीमेल घूम रही है ना, इस तरह का बर्ड हो, ब्यूटी इसमें पता चल रहा है। हाँ, अब ये रेड वाइट है। जी जी, कुछ टाइम बाद ये वाइट हो जाएगी। अच्छा, तो मुझे ऐसा बर्ड, मुझे पर्सनली वो जो है ना, हो सकता है लोगों को खूबसूरत लगता हो, मुझे खूबसूरत नहीं लगता वो, मतलब ब्यूटी यही है ना, डबल शेड आ रहा है उसके ऊपर, लेकिन अपने टाइम पे जाकर ये पूरी वाइट हो जाएगी। जी हसन भाई, माशाल्लाह, ये क्या, कौन सा पेयर है? ये सिल्वर ब्रिलियंट है, और कुछ ऐसे भी डायमंड डब हैं जो पाइट तो नहीं है, उनका नॉन पाइट बर्ड भी अच्छे रेटों में जाता है, पूरी दुनिया में अच्छा पसंद किया जाता है। जिस तरह इसका इंटरनेशनल यूरोपियन जो इसका प्राइस है ना, वो यूरोपियन इसका रेट जो है वो $250 पर पेयर है, तो वहाँ भी ये ब्लू पाइट से ऊपर ही इसकी प्राइस है। और हाँ, यहाँ पर भी इसकी प्राइस और उसकी डिमांड ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डायमंड पाइट। अभी तकरीबन क्या डिमांड है इसकी? इसकी मखाले होगी तकरीबन, इसके पट्टे जो है 20,000 का पेयर होगा इसका। मुझे इसके पट्टे सेल पर से तो मैं नहीं करता हूँ, जो इसमें निकलते हैं वो हमारे दोस्तों के पास चले आते हैं। ये असल में पेयर का सीन ऐसा है कि इसका जो मेल है, ये हमारे एक बहुत ही अच्छे दोस्त हैं साद मसूद, तो उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था मेल, फीमेल मेरे पास थी इसकी अपनी ब्लड लाइन है माशाल्लाह। जी, तो इसका जो पहले दो बच्चे थे वो साद मसूद भाई को हमने गिफ्ट करे, और इंशाल्लाह अब जो निकलेंगे वो हमारे ही जो ग्रुप के कुछ दोस्त हैं, इंशाल्लाह वहाँ चले जाएंगे। ये बर्ड ब्यूटी बहुत है इस बर्ड की, बहुत खूबसूरत बर्ड है। जी हसन भाई, माशाल्लाह, ये कौन सा पेयर है? यार ये अल्टीमेट रेड का पेयर है। इसका मेल और फीमेल दोनों का कलर डिफरेंट होता है, लाइट कलर का मेल है
और फीमेल जो है ज़रा गंजा करा हुआ है मेल ने इसको। हैचिंग आई हुई है इसकी? नहीं, इसके एग्स आए थे सही से, ये इनक्यूबेशन नहीं कर रहे थे तो मैंने ये शिफ्ट कर दिए इनके एग्स। ये क्रीम डायमंड डब है और बहुत ही खूबसूरत बर्ड होता है ये, और ये पाइड में इसकी काफ़ी डिमांड चल रही है। हमारे पास इसके पाइड के पट्टे हैं, अभी वो मोल्ड हो रहे हैं तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे तो वो 50-60% जो है वो वॉश हुए हुए होंगे, तब इंशाल्लाह उसको उसी कवरेज करेंगे। और रेड आई होता है ये, मेल फीमेल में थोड़ा सा जो है शेड का डिफरेंस होता है। मतलब ये क्या बर्थ होगी इसकी मार्केट में तकरीबन? इसकी होगी तकरीबन 20-30 हज़ार का होगा ये। मतलब बिना पाइड के? बिना पाइड के, जी 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 जी, बिना पाइड। जी हसन भाई, ये कौन सा पेयर है? ये एक बहुत ही खूबसूरत डब है, जेबरा डब, और जेबरा डब का ये जो है वाइट कलर है। काफ़ी सारे कलर आते हैं इसमें, हम पाकिस्तान में हमारे पास दो ही कलर हैं, एक ग्रे और दूसरा ये वाइट, और दूसरा बड़ा बड़ा स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन का बर्ड होता है ये, सर्दी गर्मी सब बर्दाश्त कर लेता है, बस ब्रीड तो ज़रा मुश्किल से करता है। तो क्या डिमांड होगी मार्केट? डिमांड हमारे पास 40,000 रुपये का इसका पेयर बिकता है, पट्ठों का DNA करवा के देते हैं। जी जी, अब देखिए नीचे इसका पट्ठा घूम रहा है, इसको क्लोज रिंग डाला हुआ है मैंने, अभी डालने शुरू करें क्लोज रिंग। ये दूसरा बर्ड है जिसको क्लोज रिंग डाला है। ये आपके घर की मतलब दूसरी ब्रीड है? नहीं, ब्रीड तो काफ़ी टाइम से आ रही है, बस हमने कभी तवज्जो ही नहीं दी थी क्लोज रिंग डालने में। ब्रीड तो काफ़ी सारे मेरे दोस्त हैं जिनको मैंने ये बर्ड सेल करें। जी हसन भाई, ये कौन सा पेयर है? ब्लू वाइट रम पाइड है ये, और ये इसका एक बच्चा निकल के सेल्फ भी हुआ है आज, बल्कि अभी मेरी इस पर नज़र पड़ी है। इसके पेरेंट्स ने इसको मारना शुरू कर दिया। एक इसमें ये प्रॉब्लम होता है, अगर बच्चे सेल्फ फीड पर आ गए हैं और आप बच्चों को सेपरेट नहीं करेंगे और पेरेंट्स जो है वो दोबारा ब्रीड पर हैं, सेकंड ब्रीड पे, नेक्स्ट ब्रीड पे, तो बच्चों को मारना शुरू कर देते हैं। देखेंगे आप इसको कि इसका जो हेड है ना वो ज़रा गंजा होना शुरू हो गया है। हाँ, अभी मैं इसको पकड़ के अलग, जी जी, इसको मैं अलग कर देता हूँ। हमारा जो पट्ठों का केज है उसमें डाल देंगे। DNA से करवाया था मेल है ये, एक दोस्त को फीमेल चाहिए थी तो बस अभी हमारे पास रहेगा। जी हसन भाई, ये कौन सा पेयर लगा हुआ है? ये जो पेयर है इसकी फीमेल ओपल पाइड है, और इसका जो मेल है ये रेड सिनेमन पाइड है। तो ये माशाल्लाह बच्चे हैं इनके? बच्चे इसका ये डायमंड है, और अगर ये मेल होता है ना तो ये रेड का स्प्लिट होगा, फीमेल होती फिर स्प्लिट नहीं होगा। अच्छा, ऊपर जो बच्चा है इसका वो रेड है। ये पेयर लगाने का रीज़न ये है कि मुझे डार्क रेड बच्चे चाहिए इससे, तो आपको नज़र आएगा वो जो रेड बच्चा है वो बहुत ज़्यादा डार्क है। जी माशाल्लाह। और ये ग्रिड में क्या यूज़ करा रहे हैं? ग्रिड में हम एक लाइफ लाइन की और प्रीमियम ग्रिड, रिकॉर होता है कोलंबियन रेड स्टोन्स, ये मिक्स करके देते हैं, और इसमें हम थोड़ा डाल देते हैं झींगा डाल देते हैं, सर्दियों में इसमें थोड़ा झींगा डाल देते हैं, थोड़ा एक्सेल पाउडर डाल देते हैं, कैटल फिश बॉन्ड डाल देते हैं इसमें। ये जो पेयर है इसमें जो मेल है ना ये ब्रिलियंट वाइट टेल है, और ब्रिलियंट ये वाइट ब्रिलियंट है, और जो फीमेल है फीमेल ओपल की है। ये मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था इन दोनों को पेयर अप करके, लेकिन रिज़ल्ट जो है जो रिज़ल्ट मैं चाह रहा था वो रिज़ल्ट नहीं आया, तो अब इसको इसकी फीमेल हम चेंज करेंगे। ब्रिलियंट में हमारे पास 3 कलर होते हैं, रेड ब्रिलियंट, वाइट ब्रिलियंट और सिल्वर ब्रिलियंट। जी हसन भाई, अगर ये कोई नया बंदा अगर ये लगाना चाह रहा है डव का सेटअप, माशाल्लाह आपका तो काफ़ी बड़ा सेटअप है व्यूअर्स को हमने दिखाया, तो मतलब किस तरीके से शुरू करें, कौन कौन से पेयर शुरू में लगाए वो, ताकि उसका नुकसान ना हो, वो लालच में आके महंगे पेयर ना डाल दें? देखिए, लालच होगा तो बंदा बिजनेस करेगा। अच्छा, लेकिन आपने मतलब न्यू फैंसियर जो है ना वो स्टार्ट करे कॉमन बर्ड से। बर्ड का बिजनेस करने से पहले आप बर्ड को रखना सीखें, उससे ब्रीड लेना सीखें, उसके बाद आप उसमें अच्छी इन्वेस्टमेंट करें अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो। अगर आपको डव रखना है, पहले आपने का डव का एक्सपीरियंस है, तो आप जो है
पाइड में आना चाह रहे हैं नॉन पाइड से, तो आप डायमंड पाइड बाय करें। डायमंड पाइड से फिर आप रेड पाइड और देन ब्लू और ओपल और इस तरह स्टेप बाय स्टेप। लेकिन कोई भी बर्ड को स्टार्ट करने से पहले आप उसका बिल्कुल जो बेसिक या उसका वाइल्ड बर्ड है आप वहाँ से स्टार्ट करें। मतलब डायमंड पाइड से स्टार्ट ले सकते हैं वो, क्योंकि हाँ अगर बर्ड पहले कभी रखे हुए हैं तो डायमंड पाइड से स्टार्ट ले सकते हैं, क्योंकि डायमंड पाइड की जो ब्लड लाइन है वो ज़रा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू रेड पाइड और ब्लू वाइट टेल पाइड। अपना नंबर भी बता दें व्यूअर्स को अगर कोई आपसे रब्ता करना चाहे। मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर है, और अगर किसी को कॉन्टैक्ट करना हो वो सिर्फ वॉइस मैसेज करे। अक्सर ऐसा होता है कि हम कहीं बिज़ी होते हैं तो कॉल रिसीव नहीं कर पाते। वॉइस मैसेज का बेनिफिट ये होता है कि बंदा जब भी अवेलेबल होगा, जब भी फ्री होगा, वो सुकून से मैसेज सुनेगा और डिटेल में एक उसका रिप्लाई कर देगा। तो मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर है 0332829565। लोकेशन हमारी है सफूरा चुरंगी कराची। अच्छा ये एहसन भाई, ये माशाल्लाह महंगी म्यूटेशन आपने लगाई हुई है टॉप क्लास, तो ये मतलब एक्सपोर्ट भी होती है या जैसे पाकिस्तानी घूमती है इंटरनेशनली भी है, मतलब ये जाती है? जितना पाइड डब है ना पाकिस्तान में, तो उसकी जो प्राइस है वो इंटरनेशनल मार्केट से लो है, तो इसी वजह से यहाँ से एक्सपोर्ट होती है। और पाकिस्तान का जो वेदर है, स्पेशली ये पंजाब का सिंध का जो वेदर है वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। मतलब फॉरेन कंट्रीज में तो ये इसका काम भी नहीं है, वहाँ तो धूप होती नहीं है। हाँ वो फिर वो सप्लीमेंट वगैरह वो इसी के अकॉर्डिंग यूज़ करवाते हैं, उससे ब्रीड लेते हैं, लेकिन फिर भी वो ब्रीड नहीं आ पाती जो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में हम ले लेते हैं आसानी से। ओके व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगले वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।